साइजा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड महिला ग्रुप कंपनी में मची भयंकर लूट। कंपनी के स्टाफ के द्वारा लोगों को दिया जा रहा है धमकी। दरभंगा जिला स्थित बेला में अवस्थित साइजा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड महिला ग्रुप कंपनी की बड़ी तनाशाही देखने को मिल रही है। दर्जनों महिला यहां से लोन ली है। सभी महिला वहां लोन को जमा भी कर दी है, मगर अब कंपनी के द्वारा बताया जा रहा है कि आप लोगों की किस्ती में से कुछ रुपये जमा नहीं किया गया है, जो आप जल्द से जल्द दे, नहीं तो हम लोग आप सभी लोगों का आधार कार्ड बंद कर देंगे। वही महिला के द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने सभी किस्ती पर भुगतान कर चुके हैं, जिसका हम लोग के पास रिसीविंग है, और यह कंपनी के द्वारा बताया जा रहा है कि आप सभी मेंबर के आधार कार्ड को ब्लॉक कर देंगे। धमकी भरी शब्द कंपनी के स्टाफ द्वारा दिया जा रहा है। गरीबों का शोषण किया जा रहा है बैंक के कर्मचारियों द्वारा। यहाँ का स्टाफ भी मिले हुआ है, बता आपको बहुत ही आता भरना पैसा 30,000। क्या मामला है? बोलिए। मंजू देवी के नाम से मैंने किस्त लिया था, मम्मी के नाम से, ठीक है सर। मेरा पैसा दिसंबर में मिला था हमको, ठीक है। जनवरी का पहला किस्त होता है सर, वो किस्त फर्स्ट किस्त उसने लेकर भाग गया। जीवन कुमार वो चोर है या बेईमान है? जीवन कुमार कौन है? ये इनका एम्प्लॉय है, बैंक का एम्प्लॉय है शिवम कुमार, ठीक है सर। वो चोर था या बेईमान था, उसने तो बैंक ने ही नियुक्ति किया था ना उसको, ठीक है। तो मैंने दो किस्त मेरा ठप हो गया था सर, 2020 का, ठीक है सर, ये जनवरी का और जुलाई का 2020 का, सुनते जाइएगा सर। तो मैंने ये मेल किया था, देखिए 3/4/2021 को, पिछले साल सर। मुझे जब पता चला फरवरी में शिवम ने इस यहाँ से निकाला गया या छोड़ दिया, ये बैंक जाने या कोई जाने, तो मैंने मेल किया था सर, देखा जाए, ठीक है। उसके बाद मेल करने के बाद बोला गया था कि सर कि आपका क्लियर हो जाएगा सर, ठीक है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो जनवरी में मैंने बात किया इनसे, तो दो किस्त बचा हुआ था, तो इनका जो एम्प्लॉय आता था मेरे यहाँ पेमेंट लेने के लिए, उसने बोला कि विशाल जी आप पैसा कीजिए, 7,000 क्लियर कर दीजिए, आपका लोन सेक्शन फिर पास करवा देंगे। मैंने 7,000 रुपया दोनों किस्त जमा कर दिया। अब यहाँ आने के बाद ये क्या बोलता है कि 10,000 रुपया और देना पड़ेगा। ए भाई, आपका एम्प्लॉय दो किस्त 7,000 रुपया लेके भागा, 7,000 आपका एम्प्लॉय लेकर भागा, उसका सूद वो देगा, मैं क्यों दूंगा? मैं ऐसा एम्प्लॉय था बैंक का। आपसे बैंक का स्टाफ पैसा लिया जी, लिखित कुछ दिया? लिखित में कुछ नहीं देता था सर पहले। तो क्यों आप लोग पैसा देते थे पहले? बैंक का भी नहीं दिया है, ठीक है सर, पहले होता था सर, ठीक है। उसके बाद जो ये गया, जब ये गया, जब कंप्लेन मिला सर मुझे, तो मैंने लिखित लेना स्टार्ट कर दिया। फरवरी ये 2021 से मिलना स्टार्ट हो गया ये लिखित मुझे, उससे पहले नहीं मिलता था मुझे सर। इससे पहले 7-8 किस्त लेके सर शिवम सर। तो आगे आप लोग कहाँ आए हैं अभी? हम तो बैंक पर आए हैं, बैंक मैनेजर से बात किया था मैंने सर, तो इन्होंने क्या बोला था कि सर आपने जो मेल किया था, तो मेरे पास मेल आया ऊपर से कि आपके पास सर्वे में गया था, ठीक है, सर्वे में गया था आदमी कंपनी का एम्प्लॉय मेरी कंपनी का, तो आपने स्वेच्छा से बोला कि शिवम सर ने जो पैसा लेकर गया है जो मैं भरूंगा। मैं बोला सर यहाँ पर बैंक मैनेजर साहब यहाँ भी यहीं पे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला सर मैं कंप्लेंट डाला, मैं मेल डाला, तो मैं क्यों भरूंगा पैसा, मैं पैसा क्यों भरूंगा? क्या मेरी माँ ने बोला था ऐसा बात सर? इसकी शिकायत आपने थाने में किया? नहीं किया, मैंने आपको बुलाया हूँ, इसके बाद मैं डीएम ऑफिस जाऊंगा सर। सर यही बात है कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कुमार, ये मेरी सासू माँ है, मेरी माँ है मंजू देवी। इन्हीं का नाम तो लोन था जी, इन्हीं के नाम से लोन है। पति का नाम क्या है? केदार भगत। घर कहाँ है? शिवाजी नगर सर। एक ही साथ मिला है सर, आधार कार्ड भी लॉक कर दिया है सर हम लोग, राशन कार्ड भी लॉक कर दिया है। तो फिर आप लोग राशन कैसे लीजिएगा? वही बात ना, राशन हम लोग इसी कारण सर हम आए हैं कहने के लिए
कि हम लोग का आधार कार्ड का लॉक छोड़ाइए और राशन कार्ड का लॉक छोड़ाइए। यहाँ का स्टाफ पता थाना जाइए। हम लोग देखा जाइए 24 महीना का किस्ता, 24 महीना हम भर दिए हैं, फिर भी कहता है हम लोग का तो 20,000 रुपया आपको दे रहे हैं। यहाँ का स्टाफ पता थाना जाइए, एसपी के पास जाइए। मना कर रहे थे तो 1400 कुछ ले देंगे, तो 1400 रुपया ही लगेगा। तो एक बार नहीं लिया गया था पैसा, क्या हम 1400 से ज़्यादा नहीं लेंगे? हम कहें हम 1600 से ज़्यादा नहीं देंगे, जितना पैसा हम देते आए उतना ही देंगे। तो उसके बाद जो किस्ती जो हम पूरा होते गया तो कह रहा था कि मोबाइल पे आप पैसा भेज सकते हैं, तो मोबाइल पे पैसा भेज रहे थे। 3 महीना मोबाइल पर भेज, 3 महीना हम लोग मोबाइल पर पैसा उनको भेजे, ठीक है, तो पुर्जी नहीं मिला हमको। फिर मोबाइल पर पैसा भेजे थे वो रंजन सर को। वो भी चोर है, वो भी घुसखोर है। रंजन रंजन क्या है? इन्हीं में कौन बैंक का स्टाफ है? साइजा बैंक का स्टाफ है, ठीक है। तो वो भी आ रहे थे, पैसा लेके जा रहे थे। हम कह रहे थे जिस समय लेट होने लग रहा था तो बोला था बैंक में नहीं पहुंचा पैसा तो आप मोबाइल से शाम तक में भी पैसा भेज सकते, तो मोबाइल से पैसा भेज देते थे। क्या नाम है आपका? वासुदेव कुमार। किन के नाम से लोन था? अंजलि देवी मेरी वाइफ की है। एक ही साथ मिला है सर। ठीक, आपको मेल भी किए हुए थे हम, ज्यादा ना उस दिन भी आए थे हम, आप बोले नहीं देंगे, लीजिए ना मेल करवाए थे। आपका जो लड़का है रंजन उसको भी बुलाइए। सर हम यहाँ पे छठा महीना 2021 से ज्वाइन किए हुए। किस पोस्ट पर आप हैं? ब्रांच मैनेजर छठा महीना से। किस बैंक का? साइजा फाइनेंस का। ठीक, कहाँ पर? दरभंगा ब्रांच में। क्या समस्या है यहाँ पब्लिक का? यहाँ पे सर ये लोग का जो स्टेटमेंट है और जो ये लोग के पास प्रूफ है, एक शिवम स्टाफ था 2020 में, वो ये लोग का पेमेंट मतलब 2-3 किस्त का ये लोग का लेके और चला गया। वो तो आपका स्टाफ है जी, पब्लिक का क्या नाम है, कि मैंने सारा पैसा दे दिया जी, फिर भी लेकिन इन्होंने सारा पेमेंट नहीं किया, मैं भी चेक किया हूँ। लेकिन इनके पास लिखित प्रूफ है? सर एक मिनट मैं बता रहा हूँ, उनके जो पास लिखित है उससे मैं वेरीफाई किया हूँ, उनका पूरा पेमेंट नहीं जमा है। शिवम उनका मात्र 3 किस्त लेके गए। वो आपके स्टाफ की समस्या है, आपके बैंक के स्टाफ की समस्या है। एक मिनट सर, कंज्यूमर ने सारा पेमेंट अपने लिए, उसका जो आदमी पैसा ले लिया है उसका सबूत, जो आदमी पैसा आपका नहीं है आपका पास उसका सबूत है ना, आपका स्टाफ जो पैसा लिया है उसका लिखित उनके पास है सर, वो 3 किस्त का ही है जो भी है। तो वो सर वो भी पैसा आप लोग मांग रहे हैं वहाँ से? सर एक मिनट, वो हम लोग मेल किए हुए हैं, लीगल डिपार्टमेंट है हमारे साइजा कंपनी में, जो कि वो लीगल वाले लोग देख रहे हैं, जो कि अभी भी बात हुई थी हमारी, तो लीगल वाले लोग बोले हैं शिवम के ऊपर FIR हुआ है, वो जैसे ही वहाँ से रिवर्स करेगा। और आपने कंज्यूमर को धमकी भी दे रहे हैं कि आपका आधार कार्ड ब्लॉक कर देंगे? जी नहीं सर, हम जो बोला कंज्यूमर एकदम जी सर, और उनका पेमेंट कंटिन्यू है, पिछले मंथ तक जमा हुआ। तो फिर इस तरह का समस्या क्यों है? पब्लिक क्यों आक्रोशित है? एकदम क्या है, आप अपने खुद बोले हैं सर। आपके पास भैया लेटर भी है, जो भी शिवम आपका फ्रॉड किया है उसका लेटर भी है, उसको हम लोग आगे प्रोसेस कर चुके हैं, वहाँ से जैसे ही पैसा आएगा आप लोग का अकाउंट क्लोज हो जाए। तो फिर मुझे इन लोग को आपके बैंक के द्वारा धमकी दिया जा रहा है कि अगर पैसा पेमेंट नहीं किया जाए तो आपका आधार कार्ड लॉक कर देंगे। सर इस तरह का क्यों बात किया जा रहा है? सर ऐसा नहीं है, अगर आपका पेमेंट ड्यूज होता है तो ऑटोमेटिक आप डिफॉल्टर हो जाते हैं किसी भी लोग का। लेकिन लेकिन इनका कहना तो हम पैसा पूरा दे दिए, पूरा प्रूफ देखा रही है। सर पूरा प्रूफ नहीं है, 3 किस्त है जो कि शिवम। लापरवाही किसकी है? आपकी बैंक के स्टाफ की है कि उसकी है? सर लेकिन उस समय हम थे ही नहीं इस ब्रांच। आपके बैंक के स्टाफ की लापरवाही है कि नहीं? वहाँ पे 3 किस्त का जो लेके गया है वहाँ पे स्टाफ का गलती है, यानी आपके बैंक के स्टाफ की लापरवाही है, गलती है। इससे क्या साफ जाहिर होती है कि फ्रॉड किया जा रहा है आम पब्लिक के साथ लोन दे करके? पहले जो थे वो लोग किए, अब ऐसा कुछ नहीं होता है जब से मैं आया हूँ 6 महीने से। लेकिन हो तो रहा है आम पब्लिक, नहीं हो रहा है सर अभी, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। बैंक का आप ही का ना है, बैंक का मैनेजर आप है, आप पब्लिक को फ्रॉड किया जा रहा है पैसा ले करके। सर जब से हम इस पद पे हैं और इस ब्रांच में है तब से का जिम्मेवार हम है, उससे पहले का जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। बैंक में तो मैनेजर आता जाता रहता है, बैंक ही रहती है। यस सर, ठीक है ना। yes, लेकिन क्लेम तो बैंक के ऊपर ना जाता ना कि पर्सनल आपके ऊपर जाता है। नहीं तो ये लोग जैसे सर मेरा नाम ले रहे थे तो हमारे रीजन का ये कोई भी मामला नहीं। तो आपका रीजन का भी नाम ले रहा है? नहीं सर, हमारे रीजन का एक भी मामला नहीं। आपने इनको बोला कि आधार कार्ड लॉक कर देंगे? क्या आपने बोला कि आधार कार्ड लॉक करेंगे? नहीं, तो पब्लिक झूठ बोल रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं? आधार कार्ड ऑटोमेटिक लॉक होता है, जैसे ही पेमेंट यहाँ ड्यूज गिरेगा आधार कार्ड ऑटोमेटिक। क्या नाम है आपका? राम कुमार सिंह। क्या है यहाँ? क्या किस बैंक का? साइजा फाइनेंस।
कहाँ पे है? दरभंगा ब्रांच। कुछ जगह पर है? सुंदरपुर बेला।